बिहार की भोजपुरी के महाराजी थे हमारे भाई कल्लू जी भी यहाँ अच्छे हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी मैं ज्ञापन करूंगा। क्या भोजपुरी को मान सम्मान मनाने के लिए बेटा का यहाँ यहाँ बेटा पैदा किया है। वाह 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 क्या बात है। मुझे गर्व होता है जब मैं भोजपुरी का नाम लेता था। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जब ये बहुत छोटा था जिसको आप अरविंद केला लल्लू के नाम से आप जानते हैं। मैं तो भाई भले हाई आई हमें दौड़ दौड़ लेकिन उम्र में बहुत छोटा है। तब मैं ना तो सुर संग्राम में था ना तो भोजपुरी गाना गाता था। मैं तो भी कलाकार का गाना चाहता था। जब जब हुआ था भूख रह जाती है ना बहुत छोटा था क्या तो मैं सोचा था कि गंडल है सिंगर बहुत बड़ा सा शहर है। और दीदी भी है कल्पना दीदी का तो जवाब नहीं है। मैं तो का बहुत सोना हुआ हूं और एक मनोहारी भाई का और एक पवन सिंह भैया का बहुत बहुत सोना हुआ हूं। तब समय जान जाना कि भोजपुरी में ऐसे ऐसे सिंगर भी हैं। जब मैं सुना कि ये भाई यहां आ रहे हैं बड़ा बड़ा खुश हुआ था भाई भाई कल्लू भाई आए यहां आ रहे हो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि बेटा आपका बेटा है हर हर पे आगे बढ़े है। दादा दादा की फिर भी आ गया ना सर लेकिन 15-20 इनका एक अलग क्रेज है और हम चाहते हैं भैया भैया बोलिए जी मेरे पहली बार आ रही तो भैया भैया उनके ताली बजा के इतना आशीर्वाद जो जोर से ताली बजा के आशीर्वाद कर लो। शुरू शुरू के कलाकारों ने उसका बस सब सब प्यार चाहिए और पूर्व का बस मैं एक काम आपको बताएं। जो मैं एक गाना गाया था राजा बाबू ने कल्पना जी के साथ मेरा सौभाग्य और उनके राइटर भी यहाँ आए हुए हैं राजेश मिश्रा भैया वाले हैं और साथ साथ मैं उनका भी स्वागत करूंगा सलेमपुर की रहने वाली मोहिनी द्विवेदी जी का जो कि बहुत बहुत गायिका है और फर्स्ट हिस्ट्री वही दी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आई आई Thank you.
जब मैं गिरने में था ना तो कुछ लोग आए थे पर भैया पूजा पर राजा बाबा जो गाना गाए थे ना कि हम तो बबली बोलत रही